सो मच सो मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया, जाहिर है मेरी उस तरह की इंफेक्शन नहीं थी। मेरी एक स्टूडेंट थी जो चाइना रही है 1 साल, और उन्होंने बच्चे भी उनके वहीं पढ़े हैं, तो वो ये बताती कि ये चाइनीज में बच्चों की ना हाथ पे घड़ियां बंधी होती हैं और वो उस पर अलार्म लगे होते हैं, और जब दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है अगर वो घर पे हैं छुट्टी वाले दिन तो घंटी बजती है और बच्चे खुद ही आ जाते हैं। अब हमारे पास तो ये होता है ना कि हमें बच्चों के पीछे भागना पड़ता है खाने के लिए और सब चीजें। हमारे पास भी बात चीजें अच्छी हैं, जो चीजें कंपेयर में कर रहा हूँ उस सेंस में ये बता रहा हूँ कि वहाँ नहीं ऐसा, खुद ही आ जाएंगे और खुद ही खाने पे बैठ जाएंगे। तो एक्चुअली शुरू से ना ये लोग टाइम पे एक, अगर आप यूं कहें कि जी घड़ी की सुइयों से बंधे हुए हैं, आप वो चाहे अगर आपको लगे कि जी बिल्कुल ही बाउंड है, मगर इन तमाम चीजों का बड़ा फर्क पड़ा है। कोई ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप लेट आए मीटिंग्स में, मैं अभी इसके साथ ही मैं अब टाइम पे बात कर रहा हूँ, कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप टाइम पे नहीं आएंगे। एक आध दफा हो जाएगा तो उसकी फिर आपको ड्यू एक्सक्यूज होगी, पहले से बताना पड़ेगा, मगर अगर आप हैबिचुअल हो जाए 1 से 2 मरतबा तो फिर फायर, और या जो भी उसके कंसिक्वेंसेस है वो होंगे, क्योंकि वहां पर टाइम पे पहुंचना और टाइम पे काम खत्म करना इज मैंडेटरी, एंड इट इज जस्ट लाइक कि ये तो होना ही होना है, इसके लिए किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा। कोई अगर करेगा तो वो नॉर्मल है, कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है, नॉर्मल है, और कोई नहीं करेगा तो वो बहुत बुरा है, ये फर्क है। तो इसलिए इसका इफेक्ट क्या है, अब आपको भी, आप हमारे पास भी पता है कि हमारे पास भी जो लोग अच्छे वेल परफॉर्मर होते हैं वो वक्त की सबसे ज्यादा कदर करते हैं, एंड मगर एज ए नेशन वी नीड टू लर्न। तो उसमें ये होता है कि आपकी अगर उनसे मीटिंग है या कोई है तो आप टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच जाए, और हमेशा कोशिश करें कि टाइम पे हो, और आपका अपना भी फायदा है इसमें, आपको पता है। तो ये वो चीजें हैं जो बाज दफा अलार्मिंग हो जाती है जब हम टाइम को अहमियत ऐसे, हमारे पास सिस्टम ये है। एक बात समझने की हमें बहुत पाकिस्तानियों को बहुत जरूरत है कि हमें ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि जो जिंदगी है ना वो बेसिकली इज जस्ट लाइक, जैसे अगर दीवार आपके सामने है तो ये दीवार एक्चुअली तो छोटे छोटे यूनिट्स से दीवार बनी है ना, एक ईंट है फिर दूसरी ईंट है फिर तीसरी ईंट है फिर चौथी ईंट है, तो अगर आप एक एक करके ईंटें निकालते चले जाए पूरी दीवार ही खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी भी बेसिकली लम्हा लम्हों से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से साल, साल से जिंदगी बनती है। वी डोंट केयर अबाउट बॉदर अबाउट आवर्स। शादियों में देख लीजिए हम यही कहते हैं कि अगर 7 बजे लिखा हुआ है तो 9 बजे तो कम से कम इसका मतलब है, तो ये चीज वहां नहीं चलती। तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम की एक छोटी सी चीज है, मगर ये चीज अपनी आदत में अगर डाल लेंगे तो हर जगह ही फायदा, और चाइनीज में तो बिल्कुल फायदा।